आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। खुश आमदीद नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। नाजरीन, आज की ये वीडियो जरूर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ जब भी आपके पास आपके खायद वोट मांगने के लिए आए तो आपको जो शिकायत अपने इलाके में है इसे एक पेपर पर लिख कर दे या जरूर इनके सामने रखे। हैदराबाद में आजकल एक बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है जो कि रॉडी शीटर्स, फाइनेंसर्स और गरीब अवाम पर जबर करने वाले चला रहे हैं, जो कि बर्थडे पार्टी के नाम पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें हजारों लाख रुपए खर्चा किए जा रहे हैं और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन भी किया जा रहा है, जहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं और गाना बाजा बजाया जा रहा है। ये तमाम तरह चीजें सिर्फ और सिर्फ अवाम को अपना दबदबा बताने के लिए किया जा रहा है, मगर आज तो हद ही पार हो गई। इलेक्शन का मोमेंट है और इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इसके बावजूद रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत याकूतपुरा के रॉडी शीटर मोमिन के भाई बासित की सालगिरह की तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस सालगिरह तकरीब में गाना बाजा पटाखे फोड़े गए। जैसे ही इसकी तला पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस तकरीब को तो बरहम कर देती है। मगर आप जरूर इस बात को सोचे कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और इस तरह का गाना बाजा बजाया जाए तो क्या इनकी नींद हो सकती है, और आप बाखूबी जानते हैं कि कोई बुजुर्ग आपके घर में है और अगर इनकी नींद में एक बार खलल हो जाए तो वो रात तमाम नहीं सोते हैं और इनके ना सोने से पूरा घर परेशान होता है और इनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। सियासी कायदीन, समाज के ठेकेदार और पुलिस को चाहिए कि इस जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, और साथ ही साथ अवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। हमारा ये खबर बताने का मकसद यही है कि आप अपने अतराफ में इस तरह से फाइनेंसर्स, रॉडी शीटर्स और गुंडा अनासिर गरीब, मासूम और कमजोर आवाम पर जबरन कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाए और मजबूती से आवाज बने। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसील। इसी तरह की मजीद तफसीलात से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।